हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज हम देखने वाले हैं दी बैड गाइज। मूवी की शुरुआत में हम दो क्रिमिनल्स को देखते हैं जिनके नाम होते हैं मिस्टर उल्फ और मिस्टर स्नेक, और इनकी टीम का नाम होता है बैड गाइज, जिसमें मिस्टर उल्फ इनका लीडर होता है और इनके बाकी के टीम मेंबर्स को हम आगे देखने वाले हैं। एक्चुअली आज मिस्टर स्नेक का बर्थडे था, इसलिए ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, पर पूरा बिल मिस्टर उल्फ पे करता है। लोग इनको देखकर काफी डरा करते थे क्योंकि ये चोरी डकैती के लिए पूरे शहर में फेमस थे। फिर ये दोनों सीधा एक बैंक में घुस जाते हैं और एक लॉकर से बहुत सारा पैसा लूटकर अपने कार से भागने लगते हैं, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे पड़ जाती है। अब इस चेस के दौरान एक एक करके बाकी के टीम मेंबर्स भी मिस्टर उल्फ के कार में आने लगते हैं, जिसमें होते हैं मिस्टर शार्क, मिस्टर पिराना और मिस्टर एंटुला। पुलिस हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी होती है। वो बहुत कोशिश करते हैं इन सभी को पकड़ने की, लेकिन मिस्टर उल्फ बड़ी चालाकी से सभी पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लेता है। और अब ये सब अपने सीक्रेट अड्डे में पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने बहुत सारे चोरी के सामान रखे हुए थे। फिर ये न्यूज में देखते हैं कि गवर्नर डायन इन सभी का इंसल्ट करके कहती है कि इनका कोई काम धंधा नहीं होता, बस चोरी डकैती के सहारे ही ये लोग अपना गुजारा करते हैं, जिसको सुनकर मिस्टर उल्फ को बहुत गुस्सा आता है। फिर इन्हें पता चलता है कि कल रात एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होने वाला है, जिसमें शहर के सबसे दयालु आदमी को एक गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड दिया जाएगा। और मिस्टर उल्फ जानता था कि वो अवार्ड सिर्फ प्रोफेसर मार्मलेट नाम के एक गिनी पिग को ही दिया जाएगा, क्योंकि उसने शहर के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन अब मिस्टर उल्फ उस अवार्ड को चुराने का डिसाइड करता है, पर टीम के बाकी मेंबर्स इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि इसमें बहुत खतरा था, पर मिस्टर उल्फ किसी तरह सबको मना लेता है। फिर ये सब एक प्लानिंग करके अगले दिन अपना भेष बदलकर उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, जहां प्लानिंग के हिसाब से ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर इसी बीच मिस्टर उल्फ जब एक बूढ़ी औरत के बैग में पैसे देखता है तो वो उसको चुराने का डिसाइड करता है, पर अनजाने में वो उस बूढ़ी औरत को स्टेयर से नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे वो बूढ़ी औरत मिस्टर उल्फ को थैंक्स कहकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अब मिस्टर उल्फ दोबारा अपने काम में लग जाता है और ये पूरी टीम मिलकर बहुत मुश्किल से फाइनली उस अवार्ड को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। पर जब ये सभी वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है, जिससे वो पकड़े जाते हैं। पूरी पुलिस उनको घेर लेती है और उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर उल्फ पुलिस को बहकाने की कोशिश करता है कि कम से कम हमें एक चांस तो मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पर तभी मार्मलेट कहता है कि हमें इनको एक चांस तो देना ही चाहिए, जिसके बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। अब मार्मलेट उन सभी को अपने घर बुलाता है और उनको अच्छा इंसान बनने की सलाह देता है। फिर वो उन सबका टेस्ट भी लेता है, लेकिन वो सब उसमें फेल हो जाते हैं, जिसके बाद मार्मलेट कहता है कि जाने दो, मेरे पास तुम सबके लिए एक रेस्क्यू मिशन है। फिर वो सब पहुंच जाते हैं एक लेबोरेटोरी में। मार्मलेट कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे गिनी पिग्स पर गलत एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उनको बचा कर लाओ, जिसके बाद ये सब अपना भेष बदलकर उस लेबोरेटोरी में घुस जाते हैं। लेकिन मिस्टर स्नेक को गिनी पिग्स बहुत पसंद थे, इसलिए वो वहाँ पर सभी गिनी पिग्स को खा जाता है, जिसके बाद मिस्टर उल्फ उसका पूंछ पकड़कर उसको घुमाने लगता है, जिससे सारे गिनी पिग्स बाहर आ जाते हैं। पर इसी चक्कर में वो सारे गिनी पिग्स लेबोरेटोरी से भाग जाते हैं और उनका मिशन भी फेल हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि बैड गाइस यहाँ पर गिनी पिग्स को चुराने आए थे। अब डायन कहती है कि बस बहुत हुआ, अब तो मुझे इनको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा, लेकिन मिस्टर उल्फ उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर डायन कहती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना और अपने दोस्तों के लिए एक बेहतर लाइफ बनाओ। अब ये बात सुनकर मिस्टर उल्फ काफी सोचने लगता है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ता है जहाँ एक कैट फंसी हुई थी। वो उस कैट को बचाकर नीचे ले आता है और इस चीज को मार्मलेट ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देता है, जिससे वो वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। अब सभी लोग धीरे धीरे मानने लगते हैं कि बैड गाइस अब अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर मिस्टर स्नेक उल्फ को कहता है कि क्या तुम सच में बदल गए, जिस पर उल्फ कहता है कि नहीं, हमें बस कुछ टाइम के लिए सबके नजरों में अच्छा बनने की एक्टिंग करनी होगी ताकि कोई हम पर शक ना करे। अब मार्मलेट उन सभी को एक पार्टी में लेकर जाता है जहां सभी लोगों को पहली बार एक रेयर मीटियोर दिखाया जाने वाला था, लेकिन बैड गाइस पार्टी में ये सोचकर आए थे कि वो फिर से उस गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुरा सके। लेकिन सही टाइम पर मिस्टर उल्फ को डायन की बात याद आती है, जिससे उसका मन बदल जाता है और वो उसको ना चुराने का डिसाइड करता है। पर तभी कुछ सेकंड्स के लिए लाइट ऑफ हो जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो सब देखते हैं कि वो रेयर मीटियोर गायब था। अब सभी को लगता है कि उसको पक्का बैड गाइस ने ही चुराया होगा, इसलिए सभी पुलिस दोबारा उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर पकड़े जाने से पहले मिस्टर उल्फ डायन को एक नोट में कुछ लिख कर दे देता है। फिर पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मार्मलेट कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बैड गाइस से अकेले में बात करना चाहता हूँ, और वो जैसे ही उनसे बात करता है तो हमें पता चलता है कि ये सब मार्मलेट की ही प्लानिंग थी, उसी ने ही मीटियोर को चुराया था। एक्चुअली जब साइंटिस्ट ने उस मीटियोर को खोजा था तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पाई गई थी,
जिसका यूज करके मार्मलेट इतिहास की सबसे बड़ी डकैती करना चाहता था। और अब उसे फाइनली वो मीटियर मिल ही गया, और इस मीटियर को पाने के लिए ही मार्मलेट शुरू से बस बैड गाइज का यूज कर रहा था। वो बूढ़ी औरत जिसको मिस्टर उल्फ ने गिरने से बचाया था, वो मार्मलेट ही था। अब बैड गाइज को समुन्दर के बीच एक खतरनाक जेल में डाल दिया जाता है। वही डायन बैड गाइज के अड्डे में पहुँचती है। एक्चुअली उस नोट में मिस्टर उल्फ ने अपने अड्डे का लोकेशन बताया था, क्योंकि वो अब हर चोरी का सामान वापस लौटाना चाहता था। वही जेल में मिस्टर स्नेक उल्फ पर दोष लगाता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा अच्छा इंसान बनने की वजह से हम सब आज जेल में कैद हैं। वो झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कोई अननोन लेडी पहुंचकर सभी गार्ड से फाइट करने लगती है और फाइनली सबको हरा भी देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि डायन थी, जो बैड गाइज को बचाने आई थी। एक्चुअली वो खुद एक रॉबर थी, पर उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं था। फिर वो सबको जेल से छुड़ा कर ले जाती है और कहती है कि मुझे मार्मलेट को हर हाल में रोकना है और मुझे इसमें तुम सबकी हेल्प चाहिए। मिस्टर उल्फ तो मान जाता है, लेकिन बाकी सब उस पर नाराज थे, इसीलिए वो सभी उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद डायन और मिस्टर उल्फ उस मीटियर को मार्मलेट से छुड़ाने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में डायन बताती है कि मैं पहले एक शातिर चोर हुआ करती थी। एक बार जब मैं उस गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुराने गई थी, तो तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं ये गलत कर रही हूँ, और तब से मैं अच्छाई के रास्ते में चली गई। दूसरी ओर बैड गाइज के बाकी मेंबर्स अपने अड्डे में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारा सामान गायब था। स्नेक गुस्सा होकर कहता है कि मिस्टर उल्फ ने पक्का हर चीज पुलिस को लौटा दिया होगा। वही मार्मलेट उस मीटियर की एनर्जी को यूज करके बहुत सारे गिनी पिग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनकी मदद से शहर में चोरियां करने लगता है। तभी वहाँ डायन और मिस्टर उल्फ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो दोनों मार्मलेट के बनाए जाल में फंस जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्नेक ने मार्मलेट के साथ हाथ मिला लिया था। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ बैड गाइज के बाकी मेंबर्स पहुंचकर डायन और मिस्टर उल्फ को छुड़ा लेते हैं और उस मीटियर को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, और किसी तरह एक एक करके सभी गिनी पिग्स को मार्मलेट के कंट्रोल से छुड़ा लेते हैं। फिर वो सब मार्मलेट को पकड़ने जाते हैं, जो स्नेक के साथ हेलीकॉप्टर से भाग रहा होता है। अब यहाँ पर मार्मलेट दोबारा उस मीटियर की एनर्जी को यूज करके इस बार पूरे शहर के गिनी पिग्स को कंट्रोल करके उनके कार के पीछे लगा देता है, और वो स्नेक को भी धोखा देकर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है। पर उल्फ उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर कार को जंप करा देता है, और किसी तरह स्नेक के साथ साथ वो बाकी सबको भी बचा लेता है। अब पुलिस उन सबको घेर लेती है। तभी वहाँ मार्मलेट अच्छा बनने के लिए मीटियर को लेकर पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने ही इसको बैड गाइज से छुड़ाया। पर यहाँ सब देखते हैं कि वो मीटियर फेक था। एक्चुअली इन सबके पीछे स्नेक का हाथ था। उसी ने ही चालाकी से कुछ टाइम के लिए गिनी पिग्स को अपने कंट्रोल में करके रियल की जगह फेक मीटियर को रख देता है, और रियल मीटियर को उसने ओवरचार्ज पर छोड़ दिया होता है, जो अब ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद बैड गाइज अपने मन से जेल चले जाते हैं, ताकि वो जब जेल से वापस निकले तो एक अच्छा इंसान बनकर निकले। और इधर मार्मलेट के पॉकेट में से एक हीरा गिर जाता है, जिससे पुलिस उसको भी जेल में डाल देती है। अब एक साल के बाद बैड गाइज जेल से निकल जाते हैं और वो डायन के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।